रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से 1.5 कटोरी छोले ले लिए थे, जिन्हें रात भर मैंने भिगा कर रख दिया 8 से 10 घंटे, और फिर वो इस तरह से फूल गए हैं। और अब हम एक इस तरह से मसलिन क्लॉथ लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच चाय पत्ती की डालेंगे। अब सब तरफ से इसे पकड़कर हम एक पोटली बना लेंगे और इसमें एक टाइट गांठ बांध लेंगे, जिससे ये बिल्कुल खुले नहीं। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें छोलों को डालेंगे। चलिए अब इसमें पानी डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी पानी डाला है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, अगर कम डालेंगे तो छोले जल भी सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल के रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे 1/2 चम्मच और पोटली को डाल लेंगे। अब 5 से 6 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे और फिर प्रेशर कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसमें से जो ये पोटली है इसे निकाल लेते हैं। छोलों का रंग भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। अब इसे आप दबा कर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। अब थोड़े से चने मैंने निकाल कर रख लिए हैं, जिसे हम थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, इसे आगे के प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर इसे अब साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब एक कढ़ाई को गर्म करके इसमें हम तेल डाल लेते हैं। तेल गर्म हो जाने पर हम गैस की आंच को धीमा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेज पत्ता जिसे मैंने तोड़ लिया है, और इसे हम थोड़ा इस तरह से चला लेंगे, जिससे इनका फ्लेवर अच्छे से तेल में चला जाए। गैस की फ्लेम लो रहेगी यहाँ पर, वरना ये जल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच जीरा, और जीरा को भी अच्छे से चटकने देंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम प्याज का पेस्ट, मैंने 4 प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और अब इसमें डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए प्याज अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है, जिसे लंबाई में काट लिया है, आप बारीक भी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले डाल लिए हैं, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आई एम रियली सॉरी। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच छोले मसाला। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला भी मैंने पका लिया है, अब इसमें डालेंगे हम टोमेटो प्यूरे, 3 टमाटर की टोमेटो प्यूरे है ये, और इसे मिक्स कर लेते हैं। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे ढककर पकाएंगे धीमी आंच में। आंच को धीमा कर रखा है मैंने और इसे अब हम ढक लेते हैं। तो मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें डालेंगे हम जो छोलों का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो इसमें डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो जाएगी और बहुत टेस्टी भी होगी खाने में। तो अब इसमें डालेंगे हम छोले, जो पानी हमने छोलों को उबालने के लिए यूज़ किया था वो भी हम इसमें डालेंगे, उसे फेंकना नहीं है, इसमें हम यूज़ कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल लूँगी इसकी ग्रेवी के लिए। आप जितनी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग पानी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे 1 उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे।
देखिए हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब हम डालेंगे हरी धनिया पत्ती। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म छोले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।